गुड आफ्टरनून दोस्तों, सुपर ग्रैनी में आप सभी का स्वागत है। तो मैं हो गई हूँ रेडी और हम लोग जा रहे हैं बाहर, यानी कि अब मैं टीका लगाने जा रही हूँ मेरी बड़ी मम्मी के यहाँ, यानी कि मेरी माइली आमा के यहाँ, और उसके बाद जाऊँगी मैं। तो थोड़ा पहले हम चले जाएंगे मार्केट, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट में काम है तो मार्केट चल जाएंगे। तो मम्मी और जा रहे हैं, मम्मी जा रही हैं आगे और मेरे हस्बैंड और आरा बैठ चुके हैं गाड़ी में, तो बस पहले हम लोग बैठ जाते हैं। और आरू है यहाँ पे, हेलो मम्मी, हेलो आरू है यहाँ पे, हेलो आरू, हेलो। और मेरे हस्बैंड और अंदर बैठ चुके हैं लोग, हेलो कर दो, हेलो भाई। तो फिर अब हम चलते हैं अंदर, चलिए फिर अब मैं मिलूंगी रास्ते में, बाय। एक बंदा मारा ना, हमने पहन लिए मास्क और हम लोग निकल गए हैं। मेरे हस्बैंड कर रहे हैं ड्राइव और आरव है यहाँ पे, हेलो आरव। और आरू है यहाँ पे और मास्क उतार रहा है, मम्मी है यहाँ और मैं हूँ यहाँ। तो चलते हैं अब हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है कहाँ जा रहे हैं, विशाल मेगा मार्ट। तो मार्केट जा रहे हैं, देखते हैं हम कहाँ पे जाते हैं। तो वही सर्चिंग साफ नहीं आ रही होगी, तो लिपस्टिक लगाने का भी कोई फायदा नहीं है, मास्क वेयर करना पड़ता है, पर मास्क भी इम्पोर्टेंट है। और सब कुछ ले लिया हमने, अपना पानी पुनी सब कुछ। चलिए फिर अब चलते हैं और मिलेंगे आपको रास्ते में। तो पहुंच गए हैं हम मार्केट, और मार्केट में सबसे पहले आए हैं हम विशाल मेगा मार्ट। सबसे पहले क्या, हम यहीं पे आए थे और थोड़ा बहुत सामान लिया हमने, और आरू मेरे पास था इसलिए मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई। और बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशन के यहाँ पे दिवाली के लिए सामान थे, तो मैंने थोड़ा किचन का और बच्चों के लिए थोड़ा सा सामान लिया, और उसके बाद हम चले गए। तो मैंने चाची के यहाँ टीका लगा लिया है और अब हम जा रहे हैं बड़ी मम्मी के यहाँ, यानी कि माइली अम्मा के यहाँ। और मैंने मिठाई मिठाई सब कुछ ले ली थी और फ्रूट्स भी, पर चॉकलेट लेना भूल गई थी, तो चॉकलेट ले ली है ये वाली अभी लेने गई थी, और थोड़े चिप्स चिप्स ले लिए हैं क्योंकि मेरा भतीजा भाई का बेटा है, यानी कि मेरा भांजा है वहाँ पे, तो उसके लिए। तो चलिए, वो घर है उनका वो सामने, तो बस अब जा रहे हैं, मम्मी और जा चुके हैं, मैं बस थोड़ा सामान लेने लगी थी तो लेट हो गई मैं। तो चलिए फिर अब मैं वहीं जाके मिलती हूँ। ब्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिला ब्लॉगिंग करने का। मेगा मार्ट से आने के बाद गए थे हम चाची के यहाँ, उसके बाद अब जा रहे हैं बड़ी मम्मी के। चलिए फिर अब चलते हैं, वहीं मिलेंगे। तो ये आ गए हैं अपनी बड़ी मम्मी के घर, और यहाँ पर बहुत सुंदर फिश टैंक था, और आरव ने एक्वेरियम की वीडियो बनाई थी, तो मैंने छोटी सी क्लिप्स आप सभी के लिए डाल दी है। और ये मेरा भतीजा और भतीजी हैं, और हम पी रहे हैं अब चाय और पकोड़े खा रहे हैं, और बहुत टेस्टी पकोड़े बनाए थे मेरी भाभी ने, और मम्मी और मेरी जो माइली अम्मा है वो कर रहे हैं गपशप, और आरू भी उठ गया है, और अब मैं ले लूँगी आरू को। तो अब है टीका टाइम, तो ये लास्ट टीका था, तो फिर हम आ गए हैं अपने बड़ी अम्मा से टीका लगाने के लिए। और जो मेरे बड़े पापा हैं वो ढंग से बैठ नहीं सकते, थोड़े बीमार हैं, इसलिए उन्होंने हमें टीका नहीं लगाया, तो बड़ी मम्मी ही हमें टीका लगाती हैं। और आरू उनको देख के बहुत हंस रहा था, तो मैंने छोटी सी क्लिप बना दी थी। और यही ही मेमोरीज होती हैं जो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहती हैं, तो बहुत अच्छा लगा ये क्लिप बना के मुझे और दिखा के आप सभी को। तो बस हमने सबने टीका लगा लिया है, और आरू है यहाँ पे तैयार हो गया है जाने के लिए, और वहाँ पे मेरी भाभी, हेलो, ये मेरी बड़ी मम्मी यानी कि माइली अम्मा। हम सब बातें कर रहे हैं बैठ के, और बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पे है आरू, इसको बना दिया मैंने जैकेट। ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, तो मैंने नेक्स्ट डे के लिए कर दिया था। और यहाँ पे सुबह सुबह धान के खेत में बहुत सारे
कबूतर और तोते थे, पैरट थे, बहुत अच्छा लग रहा था और इतने सुंदर लग रहे थे ना। मैंने बहुत बड़ी क्लिप बनाई थी और मैंने आपके साथ छोटी सी क्लिप शेयर की है और बताइएगा कैसा लगा आपको। तो यहाँ पे धान के थोड़े थोड़े जो कटिंग हो जाते हैं उसके बाद जो बच जाते हैं वो चिड़िया खाने आ रखे थे, बहुत ही अच्छा लगता, बहुत सुंदर लग रहे थे। मैंने बहुत बड़ी क्लिप बनाई थी, छोटी सी क्लिप शेयर कर दी हूँ आप सभी के साथ। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको बहुत सुंदर सुंदर क्लिप्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आदम, तो बच्चे उठ गए हैं दोनों और बाहर देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है। टाइम हो रहा है 7:30 बजे का, मैं उठ गया हूँ। गुड मॉर्निंग आदम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मैं उठ गया हूँ। तो मॉर्निंग में आरू को सुला के और मैं आ गई हूँ, थोड़ा घर के पास एक शॉप थी वहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ पे मम्मी के लिए ले रही हूँ मैं कुर्ता और प्लाजो सेट, देख रही थी तो बहुत अच्छे अच्छे प्लाजो सेट थे यहाँ पे और पर किसी का साइज नहीं मिल रहा था तो मैंने एक पसंद किया और मम्मी के लिए लेके आई हूँ। देखती हूँ मम्मी का कैसा। मॉर्निंग दोस्तों, सुपर गृहिणी में आप सभी का स्वागत है। तो ये है नेक्स्ट डे, मैंने कल का जो वीडियो है वो एंड नहीं किया है और टाइम हो रहा है 10:30 बजे का और आरा भी तैयार हो गया है और आरो भी तैयार हो गया, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी। अब हम जा रहे हैं घर और आज है 30 यानी कि 30 अक्टूबर है आज और आरव का है एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम की कैसी तैयारी है? अच्छी। तो आज है हिंदी का एग्ज़ाम इसका और हम लोग टाइम से ही पहुंच जाएंगे। तो फिर चलिए, फिर अब मिलती हूँ मैं रास्ते में। अब ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई तो अब मैं रास्ते में ही ब्लॉग का एंड कर दूंगी और आप सब भी अपना ख्याल रखिए। छोटा सा ब्लॉग बनाया था कल, हम मेगा मार्ट गए थे, वहाँ से कुछ चीज़ें ली हैं और बाय कर दो, मिलेंगे ब्रेक के बाद। तो मम्मी है यहीं पे और चलिए फिर देखते हैं क्या क्या होता है। मम्मी ने बहुत सारा सामान भी डाल दिया है, कहीं कुछ कहीं कुछ, तो कद्दू कुद्दू का और सब कुछ डाल दिया है। तो ये क्या कर दिया है सामान मम्मी ने, बैग, हम एक बैग लेके आए थे और एक मेरे हस्बैंड का और ये छोटा मेरा बैग, वो थैला मम्मी ने डाल दिया है। यहाँ फ्रूट्स डाल दिए हैं, यहाँ पे साग और कद्दू डाल दिया है, तो इतने सारे बैग कर दिए मम्मी ने। और मम्मी है यहाँ पे, हेलो मम्मी, तो यहाँ है मम्मी और अब हम निकल गए हैं। मम्मी और को सबको नमस्ते करके और बाय-बाय करके हम निकल गए हैं अपने घर की तरफ, ससुराल की तरफ। तो चलते हैं और मिलूंगी मैं आपको रास्ते में। तो मेरे हस्बैंड ने आरू को आगे ले लिया था 2 मिनट के लिए और बहुत उछल रहा था वो, तो आप देखिए कैसे करके खड़ा हो रखा है, जैसे वो खुद से ड्राइव कर रहा है। तो एक दिन आरू भी बड़ा होगा और हमें ऐसे ही ड्राइव करके घुमाने के लिए ले जाएगा। तो बच्चे देखिए कैसे कर रहा है। कर रहे थे और रास्ते में नर्सरी थी तो हमने सोचा चलो कुछ फ्लावर ले लें, तो बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर थे यहाँ पे और ज़्यादा महंगे भी नहीं थे सब, इन्होंने 20-20 रुपए के रखे थे। तो ये सदाबहार में है आई थिंक, तो हमने थोड़े से गेंदे के ले लिए थे और छोटे से ये छोटे छोटे फ्लावर ले लिए थे, तो बहुत सुंदर लग रहे थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। तो ज़्यादा नहीं लिए थे हमें और मुझे ज़्यादा प्लांटिंग की नॉलेज नहीं है तो मैंने ज़्यादा नहीं लिए थे, जिसका मुझे पता है मैंने छोटे छोटे फ्लावर ले लिए थे और घर में जाके डैडीज़ को प्लांट कर देंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है आज और कितने सुंदर सुंदर फ्लावर हैं यार, हमने इतने सारे फ्लावर ले लिए हैं। मैं घर में जाके दिखाऊंगी हमने क्या क्या लिया है। ये रेड वाला, ये देखो कितना सुंदर है ये वाला, और एक पीछे को ये वाला है, ये भी बहुत सुंदर है। और थोड़े गेंदे ले लिए हैं, तो घर में जाके दिखाऊंगी मैं। कैसा लगा आरव यहाँ पे नर्सरी में जाके? अच्छा। आरव को बहुत अच्छा लगा और आरव ने ही वीडियो बनाई हुई है बहुत सारी। तो
यहाँ पे कर रहा है और बहुत सारी बातें, पर म्यूज़िक लग रहा था तो मैंने म्यूट कर दिया। और इसके बाद पहुँच गए थे हम अपने घर, और थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करने के बाद और आरव को थोड़ा स्टडी कराया मैंने और आराम कराया, और आरव को सुला दिया था। तो क्योंकि आरव का आज एग्ज़ाम है तो हिंदी का वो भी, तो फिर वो पढ़ रहा है, और इसलिए मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाई। तो प्लीज़ मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।